एक और बड़ी खबर क्यों करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे नामांकन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। और गोरखपुर शहर से सीएम योगी प्रचार नामांकन जो है वो करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह नामांकन में शामिल होंगे, तो बता दें आपको सीएम योगी के नामांकन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज नामांकन करने जा रहे हैं, गोरखपुर शहर से सीएम योगी नामांकन करेंगे, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जाहिर तौर पर यूपी का चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर काफी ज्यादा प्रचार में लगी। तो योगी आदित्यनाथ आज नामांकन करेंगे और वहीं पर जहां नामांकन करने वाले हैं वहीं का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसी जगह यानी कलेक्ट्रेट परिसर में थोड़ी देर में आएंगे और यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पर्चा दाखिला करेंगे, यानी सदर विधानसभा सीट से आज योगी आदित्यनाथ का पर्चा दाखिला होना है। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे, साथ में ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कलेक्ट्रेट परिसर है, पूरी तरीके से यहाँ पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है, यानी कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ रहेंगे और साथ में धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे जो केंद्रीय मंत्री है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यानी जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से रवाना होंगे और सबसे पहले वो जाएंगे एयरपोर्ट, जहाँ पे अमित शाह का स्वागत के लिए पहुँचेंगे और वहाँ पे अमित शाह के साथ वापस इसी कलेक्ट्रेट में आएंगे। और कलेक्ट्रेट में जो है आज देश के गृह मंत्री, साथ में जो है प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे आज साक्षी बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट है और कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के बाहर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक बैरियर लगा दिया गया है, बैरियर से पूरी तरीके से यहाँ पे रास्ते को बंद कर दिया गया है, यानी कि जो आम पब्लिक है वो आम पब्लिक इधर से इस रोड से गुजर नहीं सकती है। साथ में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे एयरपोर्ट से पहुँचेंगे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद उसके बाद जो है अमित शाह भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, अमित शाह भी गुरु मंत्र देंगे। और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में यानी कि कार्यकर्ता सम्मेलन होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बैरियर से, जो सामने बैरियर लगा है, यहीं से फिर पैदल आएंगे। पैदल उनके साथ दो समर्थक होंगे और समर्थक आकर यहां पे 11:30-12 बजे लगभग यहां आने की संभावना है। 11:30-12 बजे वो ADM वित्त एवं फाइनेंस के कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुभाष गुप्ता, जनता TV, गोरखपुर।